ऐसे शायर से कि हमारे फहरिस्त में एक ऐसा शायर है, वो शायर जब अपना कलाम पेश करता है तो नाज़िम मुशायरा अकमल को कहना ही पड़ता है कि चांदनी रात में चांद की पेशानी पर हिनाई उंगलियों से अगर कोई झूमर बनाया जाए और फिर उसकी तस्वीर ली जाए तो तस्वीर होगी एक चमकते हुए सितारे की तरह जनाबे फारूक दिलकश की। मैं उसे गुजारिश करता हूँ। मैं आप शुरू करूँ हूँ, एक मतलब दो शेर मैं नाते पाक का पेश करता हूँ। मेरे अजीज दोस्त आरिफ मोबाइल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जुल्फिकार साहब लड्डू ये भी तशरीफ फरमा है, शमीम भाई पासपोर्ट ये भी तशरीफ फरमा है, और खूबसूरत निजामत आज के खूबसूरत मशायरे की निजामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई अकमल लतीफ साहब, जो वाकई में कसम खुदा के पूरे हिंदुस्तान में पूरा मारूफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने इलाके की कर रहे हैं। हमें इन्हें दुआएं इतनी देना चाहिए कि कसम खुदा की इनका फख्र से सीना फूल जाए। बस मैं एक मतलब पेश करता हूँ और एक सवाल मैं करना चाहता हूँ नादिया आप मतले से कि क्या वो सवाल दुरुस्त है या नहीं है, बतौर खास डाइट से तवज्जो चाहता हूँ। शबीर भाई एक सवाल मैं आपसे करता हूँ पूरे डाइट के हवाले से, थोड़ी सी बेदारी है, बहुत ज्यादा मजमा चाहता हूँ दुआएं आपके। तुम्हारे लिए कि तुम्हारे दिल में अशरफ भाई सुनिएगा कि सुना नमाज़ अपने साथ मैं तूने पढ़ी है मुसा।
मतलब दो शेर और पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाइए। थोड़ा सा दुआएं चाहता हूँ आपकी, बहुत ही आप खास हैं, आप मेरे अजीज हैं, कभी भी भूलते नहीं हैं, अगर भूल भी जाता हूँ मैं तो आप घर तक चले आते हैं। बतौर खास ये शेर मतलब आपकी नजर करता हूँ, जुल्फिकार भाई सुनिए जी। सर काली साहब थोड़ा सा सब ये कसम कसम खुदा की बंद कर दिया। मौलाना आपकी भी दुआ चाहता हूँ, थोड़ा सा जाए से गुफ्तगु बंद कर दीजिए, मैं पेश करता हूँ मतलब मौलाना सुनाए जी। सर जी जी मैं पेश करता हूँ मौलाना, एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। बोलेंगे बेचारे बहुत ही चीज़ें सारे हैं कसम खुदा जी, बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मैं पेश करता हूँ मतला, सिर्फ मतला पेश करता हूँ आपकी दुआएं चाहता हूँ। तुम्हारे दिल का जो मदरसों को कहे
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर थोड़ा सा इधर से भी बेदारी पैदा हो जाए बोल दे मचल के सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर Thank you.
बहुत उमदा कलाम, ये तसन्नो ये अदाकारी कहाँ से आ गई, फारूक मेरे दोस्त तुम्हें ये बीमारी कहाँ से आ गई, और मजहर मेजर साहब जंग लड़ना हो जो तलवार हाथों के बगैर किसने सिखलाया, ये फनकारी कहाँ से आ गई। बहुत उमदा अंदाज में अपने कलाम को पेश कर रहे थे जनाब फारूक साहब, लेकिन